हेलो दोस्तों शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस आई सीआरपीएफ सी आर पी एफ़ मॉडल पेपर थ्री पार्ट टू जिसमें कि एम सी क्यू ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी होंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट टू एम सी क्यू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ड्रग इज नॉट अंडर द सीड क्लास ऑप्शन ए नक्स भूमिका ऑप्शन बी इस्पागुल्ह ऑप्शन सी स्ट्रोपेंथस एंड ऑप्शन डी डिजिटैलिस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी डिजिटेलिस The next question is Alpha methyl dopa is primarily used for option A pregnancy induced hypertension, option B endovascular hypertension, option C first line agent in hypertension, option D refractory hypertension. The right answer is option A. यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग कंटेन लाइव अटेनियोटेड वैक्सीन एक्सेप्ट ऑप्शन ए रूबेला ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी ऑप्शन सी येलो फीवर एंड ऑप्शन डी मिजल्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी हेपेटाइटिस बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड फार्माकोनोजी बाज कॉइंट बाई ऑप्शन ए गैलन ऑप्शन बी सिडलर ऑप्शन सी बर्ज एंड ऑप्शन डी हिपोक्रेट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी सिडलर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज bone forming cells are option a osteoclast option b osteocytes option c osteoblast and option d osteobonds. the right answer is option c yani osteoblast the next question is Membrane filters are made from option A cellulose option B asbestos option C Gore and option D porcelain The right answer is option A yani cellulose The next question is slugging process is used in which of the following preparation option a capsule option b tablet option c powder and option d ointment the right answer is option b yani tablet the next question is copper sulfate ip is acid by option a आयोडोमेट्रिक मेथड ऑप्शन बी आयोडीमेट्रिक मैथड ऑप्शन सी ग्रेवी मैट्रिक मैथड एंड ऑप्शन डी एसिड बेस टाइट्रेशन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी आयोडोमेट्रिक मैथड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैजिक रेमिडीज एक्ट बास पास्ड इन विच ईयर option a 1954 option b 1955 option c 1960 and option d 1995 the right answer is option a yani 1954 the next question is which of the drug belonging to proton pump inhibitors option a pyrenzipine ऑप्शन बी रैनिटिडिन ऑप्शन सी ओमिप्राजोल एंड ऑप्शन डी ट्राइमिथाफैन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी ओमिप्राजोल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ड्रग दैट काउ मेटाबॉलिक एल्कालोसिस ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सिमेटेडीन ऑप्शन सी पैप्टोबिसमोल एंड ऑप्शन डी कार्बेनोजोलोन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी सोडियम बाई कार्बोनेट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ड्रग इंक्रीज एब्जॉर्ब्सन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑप्शन ए सैनाकोबालामाइन ऑप्शन बी फॉलिक एसिड ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड ऑप्शन डी रिथ्रोपोइटिन The right answer is option C, any yani ascorbic acid. The next question is An adverse effect of oral iron therapy is option A, anemia, option B, thrombocytopenia, option C, headache, and option D, constipation. The right answer is option D. यानी कॉन्स्टिपेशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसियस एनीमिया इज डेवलप्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑप्शन ए एरिथ्रोपोइटिन ऑप्शन बी विटामिन बी ट्वेल्व ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी विटामिन बी सिक्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी विटामिन बी ट्वेल्व The next question is which of the drug belonging to anticoagulants of direct action? Option A aspirin. Option B heparin, option C Dicumerol and option D Fanpro, Common The right answer is option B any yani heparin. The next question is which of the drug belongs to coumarin derivatives? Option A. Clopidogrel Option B. Anoxaparin Option C. Deltiparin And Option D. Barfarin The right answer is Option D. Yani barfarin The next question is विच ड्रग इज़ ए सेलेक्टिव बीटा वन एगोनिस्ट ऑप्शन ए डिजॉक्सिन ऑप्शन बी दो ब्यूटामाइन ऑप्शन सी एमरिन एंड ऑप्शन डी डोपामाइन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी दो ब्यूटामाइन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ़ इज ए क्लास सेकेंड एंटी अरिथमिक ड्रग ऑप्शन ए एमलोडपिन ऑप्शन बी प्रोप्रानोलॉल ऑप्शन सी लिडोकेन एंड ऑप्शन डी ब्रापेमिल द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी प्रोप्रानोलॉल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विस ड्रग इज़ यूज इन ट्रिएटिंग सुप्रावेंटिकुलर टैकी कार्डियाज ऑप्शन ए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है डिजिटॉक्सिन नहीं डिजॉक्सिन होगा तो ऑप्शन ए डिजॉक्सिन ऑप्शन बी दोब्यूटामाइन ऑप्शन सी एमरिन एंड ऑप्शन डी डोपामाइन द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानि डिजॉक्सिन दैक्स्ट क्वेश्चन इज डोरेसन ऑफ नाइट्रोगलाइसरीन एक्शन सब इज ऑप्शन ए टेन टू थर्टी मिनट ऑप्शन बी सिक्स टू एट आवर ऑप्शन सी थ्री टू फाइव मिनट एंड ऑप्शन डी वन पॉइंट फाइव टू टू आवर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी टेन टू थर्टी मिनट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following anti agent is a calcium channel blocker? Option A: Nitroglycerin, Option B: Propranolol, Option C: Minoxidil, and Option D: Nifidipine. The right answer is Option D: yani Nifidipine. The next question is. Identify the diuretics agent which is having a potent and rapid effect. Option A, furosemide. Option B, spironolactone. Option C, diclothiazide. And option D, mannitol. The right answer is option A, any furosemide. The next question is. The following ergot derivatives is used for treatment of acute migraine attack. Option A. Paracetamol. Option B. Sumatriptan. Option C. Ergotamine. And option D. Metoclopramide. The right answer is option C. Yani ergotamine. The next question is. Select an endocrine drug which is a steroidal derivative. Option A gonadorelin, option B insulin, option C levothyroxine, and option D hydrocortisone. The right answer is option D any yani hydrocortisone. The last question is. Which of the following hormones is produced by the thyroid gland? Option A: Thyroid stimulating hormone, Option B: Thyrotropin releasing hormone, Option C: Triiodothyronine, and Option D: Thyroglobulin. The right answer is Option C, yani triiodothyronine. दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग